हेलो फ्रेंड्स अ वेरी वेलकम टू आर एम एन एस चैनल डेडिकेटेड टू एम एन एसपर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस समेट एंड होप यू लाइक दिस वीडियो सो लेट्स गेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू वर्ड एंड क्लॉज एक आपका टॉपिक रहता है वर्ड एंड क्लॉज से जिसमें से आपके फाइव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वर्ड एंड क्लॉज बेसिकली यू हैव टू फिल द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल टू कम्पलीट द सेंटेंस मतलब एक अप्रोप्रिएट आपको वर्ड फिल करना होता है एक सेंटेंस के अंदर ताकि वो सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल लगे ठीक है सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर बट इट नेवर एवन डैश टू मी दैट आई शुड आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर बट इट नेवर एवर बट ये ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं मतलब अकर्ड ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर बट इट ने प्रैक्टिस तो नहीं करनी पड़ती क्योंकि वर्ड एंड क्लॉज तो एक जेन्युअन क्वेश्चन है जो कहीं से भी पूछ सकते हैं आपसे वो आपको डिपेंडिंग अपॉन योर इंटेलिजेंस क्वेश्चन टिक करना होता है ठीक है करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना होता है नेक्स्ट इज शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द डैश जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया सो शेखर गुप्ता एक वन ऑफ मोस्ट फेमस मतलब एमिनेंट सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एमिनेंट का मतलब होता है फेमस ओके फेमस दैट इज एमिनेंट ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट कोर्ट्स जो बहुत ज्यादा पेचीदा मतलब विवादित डिबेटेबल तो उन इशूज को कोर्ट सॉल्व करते हैं हेल्प करते हैं सोल्व करने में तो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर कंटेंटुअस ओके नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द सुनामी माई फैमिली टुक डैश इन अ गेस्ट हाउस ऑन द हिल सो इसका जो करेक्ट आंसर है ड्यूरिंग द सुनामी माई फैमिली टुक रेफ्यूजी इन अ गेस्ट हाउस ऑन द हिल ठीक है तो वो कौन होंगे शरणार्थी होंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू इफ यू नो द मीनिंग ऑल्सो तब भी आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हो वर्ड एंड क्लॉज वाले को ठीक है तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई थिंक फिफ्थ द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द माउंट एवरेस्ट चेंजेस यू द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द माउंट एवरेस्ट चेंजेस यू कंप्लीटली ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर ठीक है कंप्लीटली कंप्लीटली टोटली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स constitution as they as they are expected to see that it is always respected this is a, a question from one word one word substitution constitution as they are expected to see that it is always respected is known as sentinels option c is the correct answer And I'm going to provide you the online mock test for MNS twenty twenty two, and which is going to be released on this Sunday, having one fifty questions. That is complete mock test one fifty questions. Aapke rehenge, MCQ format mein, and with timer of ninety minutes. So this is going to be launched on this Sunday, and price is very cheap. Okay, so. प्लीज अवेल दैट मॉक टेस्ट सो दैट यू कैन ईजीली नो योर परफॉर्मेंस विद टाइमर लिमिट ओके इन टाइम बाउंडेशन अगर आप मॉकटेस्ट लगाते हो तो आपको पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और कैसी होने वाली है सी बी टी एग्जाम एम एन एस ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन अकॉर्डिंग टू सॉयल सोली सोरबिजी लिसनिंग टू केसेज बींग आर्ग्यूड इन कोर्ट कैन बी डैश बट देर आर लाइटर मोमेंट्स टू So according to Soli Sorbiji, listening to cases being argued in court can be can be tedious. Boring. But they are lighter moments too. Okay, tedious ka matlab boring. Dull. Next is next question. We had our time of peace and goodwill. A time I will dash as long as I will. We had our time of peace and goodwill. A time I will dash. A time I will cherish. Option 2 is the correct answer. A time I will cherish long as I will. As I live. So, option 2 is the correct answer. Cherish. Next, it is claimed that if you take a certain hemopathalic medicine it will dash you against the coronavirus so it will which is the correct answer so it will fortify option 4 is the correct answer it is claimed that if you take a certain hemopathic medicine it will fortify you against the coronavirus

तो इसमें आपको इन्वेस्टिगेटिंग भी लग रहा होगा रिसर्चिंग भी लग रहा होगा बट अकॉर्डिंग टू मैन यू सर्च ऑन इट बुक देन इट गिव्स इन्वेस्टिगेटिंग द करेक्ट आंसर बट आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर है वो रिसर्चिंग होना चाहिए वॉट यू थिंक इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंगेज इन डैश हाउ टू फाइंड अ वैक्सीन फॉर कोविड नाइन्टीन सो दे आर रिसर्चिंग और इन्वेस्टिगेटिंग next, i am sorry to dash on you at this last hour. i am sorry to dash on you at this last hour. so correct answer for this question is intrude option 2 is the correct answer. i am sorry to intrude on you at this last hour. next, thunder and lightning was dash with heavy rain. Thunder and lightning was dashed with heavy rain. So a campaign is the correct answer. Campaign A campaign a campaigned, occurred with heavy rain. Last question is she was greatly dashed by the nightmare sea head. so if you know the meaning the correct answer will option 2 that is perturbed perturbed she was greatly perturbed worry worry or we can say upset she was greatly worried or upset by the perturbed nightmare she had so hope you like this video of important fill in the blanks for me english and let me know in the comment box if you like this video. And please like, share, and subscribe to our channel for more videos like this. Thank you so much for watching this video and get ready for the online mock test 1 for MNS 2022. Thank you.